की हाइट से लंबी लंबी झाड़ियाँ। अभी तो एक पड़ाव भी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत ऊंचाई पर जाना है। अभी ऊपर इस स्ट्रेच में ना एकदम ज्यादा लगा गिर जाऊंगा। वहाँ प्लास्टर पे टाइगर का निशान मिले। इससे खतरनाक रास्ता आज तक नहीं गए। लोग कम ना हो जाएंगे रास्ते में। पहाड़ की उस तलहटी से गुजरने पर सूरज डरता है। उन पगडंडियों से चलते चलते डर बढ़ता जाता है। आराम से आना। कभी जंगली जानवर का खौफ, कभी अनहोनी का भय। लोग कम ना हो जाएंगे। जो इन सब से उबर जाता है वो अद्भुत अकल्पनीय झरने के पास होता है। ये क्या है? समेटे ऐसे वाटरफॉल के खतरनाक सफर पर जा रही है, जहां बिना स्थानीय गाइड के जाना साक्षात यमराज से दंगल करने जैसा। यकीन मानिए, घुमक्कड़ी करती जिंदगी वहां किसी भी वक्त दांव पर लग सकती है। पिथौरागढ़ के चंडाक से करीब 15 किलोमीटर दूर नाकोट होते हुए भुरमुड़ी वाटरफॉल का रास्ता है। डामर रोड के बाद करीब 4 से 5 किलोमीटर कच्चे में गाड़ी को ले जाना पड़ता है। जगह जगह गीली मिट्टी में फोर व्हीलर के फंसने का भय बना रहता है। हर मिनट ये एहसास भी दिल में बढ़ने लगता है कि गलती हो गई, चलो वापस होटल लौट चले। लेकिन वो घुमक्कड़ ही क्या जो हार मान ले। जीत का दूसरा नाम ही बीइंग घुमक्कड़। इसीलिए इसुजु और महिंद्रा अल्टुरस के चक्के पहाड़ का सीना चीर कर आगे बढ़ते रहे। फॉल से करीब 2 किलोमीटर पहले जाकर दोनों गाड़ियों के पहियों पर फुल स्टॉप लगा, क्योंकि इसके बाद ना चाहते हुए भी पैदल रास्ता है। बीइंग घुमक्कड़ की टीम हमेशा आपको पहले से कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बेहतर दिखाने की कोशिश करती है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अनएक्सप्लोर्ड जगहों पर लेकर जाएं आपको और वो जगह आपको दिखाएं। इस बार भी हम कुछ बेहतर से भी बेहतर आपको दिखाने जा रहे हैं। इसी खोज में हम आ गए हैं इस वक्त
एक वाटरफॉल देखने के लिए जो जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वाटरफॉल बहुत खतरनाक है। जितना सोचा था, जितना जाना था, जितना देखा था, पिथौरागढ़ जिले का भुरमुरी वाटरफॉल पहुंचने का रास्ता उससे कई गुना डेंजरस निकला। पैदल सफर शुरू करते ही आभास हो गया कि सूर्य देव की रोशनी मध्यम होनी शुरू हो चुकी है। वक्त गुजरने के साथ हर किसी के दिल में धुकधुकी बढ़ने लगी। उस पर से तंग संकरा रास्ता इम्तिहान लेने के लिए आतुर हो आया। कुछ दूर पैदल चले ही थे कि एक छोटी सी नदी नजर आ गई। एक पल के लिए ये सब देखकर लगा मानो किसी ने बीन घुमक्कड़ के साथ बड़ा मजाक कर दिया। झरने के नाम पर नदी की धारा दिखा दी। अब मैं इस जगह पे पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे ये छोटी सी गाड़ दिख रही है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। वो क्रॉस करते हुए आपको मेरी टीम के बाकी लोग दिख रहे होंगे उस तरफ। हमें बेसिकली उधर जाना है, बुरमुड़ी का वाटरफॉल उस तरफ है। तो चलिए आइए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। गाड़ यानी छोटी नदी को पार किया ही था कि कुछ और कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। चीड़ के पत्ते गिरने से पहाड़ की चोटी पर फिसलन ज्यादा बढ़ाई, इसीलिए कदम संभल संभल कर आगे बढ़ाने थे। बिंगुमक्कड़ के लीडर विवेक खेतान ने साफ साफ कह दिया कि सबको अलग अलग नहीं बल्कि दो टीमों में बंट कर चलना ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। आगे बढ़ते हुए रास्ता बहुत खतरनाक है और ये हमें वहां तक जाना है। अगर आप देख सकते हैं तो वो नीचे जो एरिया है, हमें वहां तक जाना है इस वाटरफॉल को देखने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और ख़तरनाक लग रहा है यहाँ से वाटरफॉल का नज़ारा। ये सामने पाइन ट्रीज दिख रही हैं हमें और बिल्कुल ऑपोजिट इतना घना जंगल है और रास्ता तो ख़तरनाक है ही। यहाँ से अगर एक बार पांव फिसला तो हम सीधे नीचे जाके गिरेंगे, तो हमें बहुत केयरफुली उतरना है। मेरी आधी टीम आगे जा चुकी है, मैं भी अब उतर रही हूँ। तो चलिए नीचे तक चलते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन साथ साथ डर भी बहुत लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ पर वैसे भी सूर्य देव जल्दी विदा ले लेते हैं। आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्हें घर लौटने की कुछ ज्यादा ही जल्दी। इस बीच घुमक्कड़ों का कारवां ढलान की तरफ बढ़ ही रहा था कि हर किसी के मन में सवाल उठने लगा, आखिर कब नीचे पहुंचेंगे और कैसे नीचे से ऊपर लौटेंगे। हाँ, फिसलन से बचने के लिए हर कोई साथ ही हाथ बढ़ाना वाली फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद चीड़ के वृक्षों से आगे होते हुए पहाड़ी झाड़ियों के बीच नीचे का रास्ता संकरा होता गया। इस निर्जन और घने जंगल के बीच झिंगुर की आवाज बढ़ने लगी, साथ ही इंसानी कदमों की आवाज सुनाई देती रही। मकड़ी, जोंक, बिच्छू और सांप के डर से जूझते हुए करीब 45 मिनट बीत चुके थे। सांसें फूल चुकी थी, सब जवाब दे चुका था। आखिरकार ऊपर से नीचे गिरते पानी की आवाज कानों में पड़ने लगी। लगने लगा कि भुरमुड़ी का वाटरफॉल नजदीक आ चुका है जो ज्यादातर दुनिया की नजरों से दूर है। क्या ये चढ़, ये क्या है? तो
सीढ़ियों से ऊपर जाना है। अभी यहाँ पे झरना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम इतनी कठिन रास्ते से होकर आने के बाद, लेकिन यहाँ पे कोई झरना नहीं है और हमें यहाँ पे सीढ़ियाँ मिल गई। अब हम इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, आगे जाके देखते हैं क्या मिलता है हमें। सीढ़ियों से ऊपर आके भी कुछ नहीं है। बहुत डिसअपॉइंटिंग सा फील हो रहा है इस वक्त, इतने मुश्किल रास्ते से होकर आते हुए हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। पर हमें रोहित सर लीड कर रहे हैं तो देखते कुछ ना कुछ तो शायद देखने को मिलेगा। सबकी हालत ख़राब है इस वक्त, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचाई से हम इतने नीचे आए हैं और हमें वापस वहाँ जाना है, लेकिन ये हमारा डेडिकेशन है एक्चुअली कि हम आपको दिखा कर रहेंगे। मुझे यानी देवांजलि और विवेक को सरप्राइज देने के लिए भींगमक्कड़ के सहयोगी रोहित बिष्ट ने हमारी आंखें बंद कर दी और वाटरफॉल के बेहद नजदीक ले गए। उसके बाद जो कुछ भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो सब नेचुरल था। वाकई में उस अद्भुत और विलक्षण खूबसूरती को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ गए। और अब हम पहुंच गए फाइनली उस जगह पे जिससे हम जिसके इंतजार में ऊपर से इतनी नीचे तक आए हैं। ओ माय गॉड, आप यकीन नहीं करोगे ये कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। आपको अगर दिख रहा हो ये झरना, यहाँ पे थोड़ी सी फिसलन है इसलिए मैं बहुत आराम से चल रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। आपने बाहुबली का वाटरफॉल देखा होगा जो कि ओरिजिनली केरला का अथरापल्ली वाटरफॉल है, लेकिन ये वाटरफॉल जो यहाँ पे है ये बाहुबली के वाटरफॉल से कम नहीं लग रहा। ये पानी जो चट्टानों से टकरा कर इसकी छींटे जा रही है यहाँ दूर दूर तक जा रही हैं, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बैठना और इस वाटरफॉल को इतने करीब से देखना, मतलब हमने इतनी मेहनत की हम ऊपर से यहाँ तक आए, इतने नीचे इतने कठिन रास्ते से होते हुए, खतरनाक रास्ते से होते हुए हमारी मेहनत सफल हुई, मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है। मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ से यहाँ तक आकर। और आई होप आपको वो ब्यूटी वाटरफॉल की इस वीडियो में दिख रही होगी जो मुझे यहाँ से दिख रही है। बहुत ऊँचाई से ये पानी गिर रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको पैन करके कैमरा यहाँ पे दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत एरिया है यहाँ का, ग्रीनरी हर तरफ और पहाड़ से घिरा हुआ एरिया है और इसके बीचों बीच वाटरफॉल है ये। ऊंचाई से नीचे गिरता झरना जब चट्टानों से टकराता है तो उसकी उछाल मारती पानी की बूंदें तन बदन को गीला कर देती हैं। ऐसे में झरने को इतने नजदीक से देखने पर ठंड का एहसास पहले ही बढ़ चुका था। बाकी का काम पानी की बूंदों ने पूरा कर दिया। हर किसी के कपड़े गीले हो चुके थे, साथ ही ताजा हो चुकी थी वो कहानी जो सालों पहले इस खूबसूरत जगह के बारे में सुनी सुनाई जाती रही। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये झरना खूबसूरत होने के साथ साथ इस खतरनाक भी है, तो इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया और यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने भी हमें ये बताया कि कई सालों पहले इस क्षेत्र में हैजा फैला था और उस समय कई मौतें हुई हैं उस बीमारी की वजह से। तो जो डेड बॉडीज थी वो इसी झरने के ऊपर से फेंक के बहा दी जाती थी।
एक खतरनाक यात्रा के बाद गंतव्य पर आकर मिला सुकून सभी के चेहरे पर नजर आ रहा था। साथ ही नजर आ रही थी पहाड़ की तलहटी पर मौजूद वो चट्टान, जिसके बारे में कहा जाता है इसका फ्रंट का हिस्सा किसी इंसानी स्कल यानी खोपड़ी की तरह दिखता है, जिसमें भीम का नाक, आंख और मुंह सब नजर आते हैं, जिसके नीचे स्थानीय लोग आकर पिकनिक के दौरान खाना बनाते हैं। ऐसे माहौल के बीच बारी थी उस अनुभव को जानने की, जिसके बारे में पूछना बेहद बेहद जरूरी था। इस काम की जिम्मेदारी निभाई बिंगमक्कड़ के वरिष्ठ सहयोगी रोहित बिष्ट ने। सपना दामू, आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रास्ता बहुत खराब था, आते टाइम बहुत डर लग रहा था कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आई तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ब्यूटीफुल झरना यहाँ पर देखने को मिला, मन में शांति मिली कि हाँ बहुत अच्छी जगह है, हम लोग इतनी कठिन रास्ते से आते हैं। मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सीरियसली उम्मीद छोड़ दी थी कि कुछ मिलेगा अभी नीचे, क्योंकि इतना कठिन रास्ता था, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद जो सरप्राइज मिला ये बहुत ज्यादा अमेजिंग था। अदिति, तुम बताओ, पहली बार कभी आई हो ऐसे? ये मेरी लाइफ का फर्स्ट वाटरफॉल है और मैंने इमेजिन नहीं किया था कि यहाँ पे आके इतना अच्छा लगेगा, और जंगल के बिल्कुल बीच से हम निकल के आया, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा मजा आया। रास्ते में मजा तो नहीं, लेकिन डर बहुत लगा था, लेकिन इसको देख के हम सब भूल गए। आज से पहले कभी ऐसी ट्रैकिंग की है? ट्रैकिंग करी है मैंने मनाली में, लेकिन ऐसी ट्रैकिंग कभी नहीं करी लाइफ में। मैंने अपनी लाइफ में नहीं करी है। अंशुल हमारे कोऑर्डिनेटर और कृष्णा हमारे वीटी एडिटर, जितनी भी स्टोरीज आप देखते हैं वो कृष्णा के ही कुशल हाथों से होकर निकलती है। तो आज इन सब इनसे पूछते हैं कि इस वाटरफॉल पर आके उनको कैसा लगा। अंशुल, पहले कभी आए हो इस तरह की जगह पर? नहीं, इस तरह की जगह पे पहले तो नहीं आए हैं। एक्चुअल में हम लोग जब यहाँ पे आने वाले थे तो सोचा था कि पता नहीं कहाँ जाने, बहुत नीचे गहराइयों में उतर गए पहाड़ के, लेकिन जब इधर पे आए, एकदम से आए तो पूरी थकान उतर गई, सब कुछ मतलब मेसमराइजिंग वर्ड्स नहीं है, मतलब इतना सुंदर है, अद्भुत असामान्य भी क्या आप कह सकते हैं, अद्भुत अकल्पनीय भी बोल सकते हैं आप, मतलब मेरे लिए मतलब बोलने के लिए वर्ड्स नहीं थे, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही मेस्पराइजिंग चीज थी। हाँ, तो कृष्णा आप क्या कहना चाहेंगे? तो जब हम रास्ते से आ रहे थे तो इतने खतरनाक रास्ते थे जंगल से, तो मतलब देख के लगा कि यार कहाँ जंगल में आ गए, लेकिन जब झरने के पास पहुँचा और देखा झरने को तो बिल्कुल निशब्द हो गया, मतलब कोई विचार ही नहीं आया मन में इसको देख के, इसकी खूबसूरती को देख के। तो कोई इतना खूबसूरत है, बिल्कुल बाहुबली सबकी जुबान पर बाहुबली है। सुंदरता के आगे झरने की कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा बोल रहे थे कि बाहुबली की टक्कर का झरना है ये, सीरियसली सबका अनुभव यही है। अभी दो लोग और बचे हैं हमारे साथ, विवेक खेतान, वेयर आर यू मैन? विवेक खेतान प्लीज कम, नो प्लीज कम। आखिरकार बहुत जिद के बाद विवेक कैमरे के सामने बोलने को राजी थे, साथ ही अब अपना अनुभव शेयर करने के लिए कैमरे के सामने थे। भुरमुड़ी टूर पर हमारे साथ रहे केवी द वॉन्डरर के ब्लॉगर करणवीर भसी, पिथौरागढ़ के फिटनेस ट्रेनर शुभम पाटनी और डीओपी अरुण कुमार। विवेक कैसा रहा? अद्भुत आप ही के भाषा में बोलूंगा, अद्भुत नजारा। तो रास्ते से आना और यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या रिएक्शन रहा? अमेजिंग था, मतलब बियॉन्ड अमेजिंग था। कोई पिथौरागढ़ आए, मुझे लगता है लिस्ट लोगों को पता होगा कि ऐसा रेनफॉल आपको वाटरफॉल कहीं मिलेगा। और मिस्टर ब्लॉगर, कहते हैं ना मेहनत कभी जाया नहीं जाती, यहाँ पर अगर आपको आधा घंटा अगर आप चल रहे हो, 2 किलोमीटर अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो मेहनत जाया नहीं जाएगी, ये चीज जन्नत है। और शुभम, पहले कभी आए हो यहाँ? मैं बहुत बार आ चुका हूँ। और ये तो यही कैसे? मैं तो यहीं का हूँ। तो बताओ फिर। और मेन एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि इससे आगे और झरने हैं और इससे भी बड़े झरने हैं। अच्छा, समय की कमी नहीं, तो समय की कमी है तब आप जा नहीं पा रहे हो। और जंगल एरिया है, बहुत खतरनाक एरिया, जानवर है या बाघ, जानवर शेर हर जगह मिलेंगे आपको। तो लेट हो रहे हैं हम लोग, सूरज डूब चुका है, और हमारे डीओपी मिस्टर अरुण कुमार
एज यूजुअल थक चुके हैं और देखिए कितने डेंजर जोन से ये हम लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम लोगों को इस वाटरफॉल घुरमुड़ी वाटरफॉल के बारे में बता रहे हैं। तो अरुण, हाउ इज द जोश? हाय। तो कैसा आपका फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पहुँचने के बाद? मैं भी पहली बार देखा हूँ। कैसा बताओ इसके बारे में थोड़ा सा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप खुद देखिए, इतना ही कह सकता हूँ। प्रकृति का की सुंदरता, प्रकृति का खेल सब आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जोग फॉल के बारे में सुना होगा, बहुत खूबसूरत है और देश का एक बहुत बड़ा जलप्रपात है, लेकिन यह अनडिस्कवर्ड लोकेशन पर है उत्तराखंड की। और ऐसा अनुभव हमने अपने जीवन में बींग घुमक्कड़ की अब तक के ट्रैवल इतिहास में हमने कभी नहीं की। सबसे बेस्ट ट्रैवल सूट रहा मेरा इस बार का, और इसके लिए अरुण को थैंक यू। बिल्कुल, मतलब बीहड़ रास्ते से हमें लेके आया ये। अब किसी भी वक्त अंधेरा इस इलाके को घेर सकता था, इसीलिए सबने जल्द से जल्द वापसी की राह पकड़ ली। लेकिन ये क्या, जितना कठिन नीचे उतरना था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल ऊपर चढ़ना हो गया। चढ़ाई शुरू होते ही हर घुमक्कड़ की सांस फूलने लगी। इस दौरान मुश्किलें बहुत थी, लेकिन मस्ती मजाक का सिलसिला कम नहीं हुआ। टाइगर हिल पर फतह कर लिए लोगों ने, लग रहा है सबसे खतरनाक पैच है ये। भाई वो गिरेगी तो ठीक है, तुम गिरोगे मेरे ऊपर तो चटनी बन जाएगा मेरा। भाई इससे खतरनाक रास्ता आज तक नहीं गया। सीरियसली मजा आ गया, लेकिन अभी जितना है उससे तीन गुना और चढ़ना बाकी। उत्तराखंड सच बताऊं तो मेरा गृह क्षेत्र जरूर है, गृह राज्य जरूर है, लेकिन मैंने भी डिस्कवर नहीं किया कभी आज तक। मैं भी आप लोगों के साथ ही इन अननोन लोकेशन पर आ रहा हूं। देखो कितने घने जंगल से हम लोग आए यार, कितने जंगल और ये जहाँ वहाँ पे चेंजिंग रूम बना था वहाँ प्लास्टर पे टाइगर का निशान मिले। यहाँ तो कोई पिकनिक भी ना है। हमारी हाइट से लंबी लंबी झाड़ियाँ हैं। अभी तो एक पड़ाव भी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत ऊंचाई पर जाना है, बहुत मुश्किल रास्ता है गाइस। अगर आपको इस क्षेत्र के बारे में पता ना हो तो भूल कर भी आना है। हाँ, ये बात 16 आने सच थी। अगर भींगमक्कड़ के इस वीडियो को देखकर आप घुरमुड़ी के वॉटरफॉल को देखने का मन बना रहे हो तो एक बार फिर सोच लो, यहाँ बिना स्थानीय या गाइड के नहीं पहुँचा जा सकता। कोई दुर्घटना हो गई तो गहरी घाटी में ही आवाज दब जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ आए करणवीर भसीन के साथ, जो चलते चलते घुटनों के बल धराशायी हो गए। अभी ऊपर इस स्ट्रेच में ना, हाँ एकदम जैसे लगा गिर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, रेस्ट कर लो, रेस्ट नहीं ले सकता ना। मैं हूँ, साथ लेके चलूँगा। आ जाओ मैं लेके चलता हूँ, रुक जाओ अभी यहाँ पे पूछ खाई है। आ जाओ अब आ जाओ यार, ठीक से कुछ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो मेरा। हाँ एक दूसरे का हाथ थामे करीब 45 मिनट के अंदर भींगमक्कड़ की पूरी टीम पहाड़ की चोटी पर लौट आई। पहाड़ी की चोटी पर बैठकर थकान मिटाने का जो सुकून और जोश सबके चेहरे पर मिला, ऐसा जिंदगी में कभी कभार ही होता है। डैड नशे हो गए। इधर हार्ट रेट ऊपर पहुंच गया, मैं इधर नहीं कर पा रही है भाई। ये तो भूतगांव से भी खतरनाक है भाई, बहुत हार्ड। इतना एडवेंचरस था, ऊपर आ गए
अब देखिए अंधेरा होने वाला है, चांद भी दिखने लगा है, सही टाइम पे पूरी टीम और मजा आ गया इस जगह आके। बचे कुचे जोश के साथ अभी हम सेफ जोन में लौटे थे, अभी कार तक पहुंचना बाकी था। कुछ देर में ये काम भी पूरा हो गया, लेकिन अब अंधेरा हो आया। देवदार के पेड़ों से रोशनी नाम मात्र की महसूस होने लगी। गाड़ी पर बैठते ही हर कोई कच्चे रास्तों से बेखबर था, क्योंकि आज सबने जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेकिंग जो कर ली थी। अगर आपको भी ऐसी हैरतअंगेज ट्रिप और अनडिस्कवर्ड लोकेशन और खूबसूरत वाटरफॉल की यात्रा करनी है, तो चले आइए उत्तराखंड के मिनी कश्मीर कहे जाने वाले शहर पिथौरागढ़।